क्लास टेंथ के स्टूडेंट्स के इस फर्स्ट के चैप्टर नंबर 4 डायरी का एक पन्ना, जिसमें आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। ये दूसरा वीडियो है। ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू जुलूस लेकर आए। उनको चौरंगी पर ही रोका गया, पर भीड़ की अधिकता के कारण पुलिस जुलूस को रोक नहीं सकी। मैदान के मोड़ पर पहुंचते ही पुलिस ने लाठियां चलानी शुरू कर दी। बहुत आदमी घायल हुए। सुभाष बाबू पर भी लाठियां पड़ी। सुभाष बाबू बहुत जोरों से वंदे मातरम बोल रहे थे। ज्योतिर्मय गांगुली ने सुभाष बाबू से कहा, आप इधर आ जाइए, पर सुभाष बाबू ने कहा, आगे बढ़ना है। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए लोगों ने किस तरह की कठिनाइयां, किस तरह की परेशानियां, किस तरह की ज्यादतियों का सामना किया, उसको आप लोगों के समक्ष रखना ही लेखक का उद्देश्य है। लेखक ने बताया कि शाम को 4:10 पर सुभाष बाबू के साथ जुलूस आया और उसको रोक दिया गया, लेकिन भीड़ इतनी अधिक थी कि पुलिस उस जुलूस को रोक नहीं पाई। मैदान के मोड़ पर पहुंचते ही पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। बहुत से लोग घायल हुए। सुभाष बाबू पर भी लाठियां पड़ी। वह जोर से वंदे मातरम का उच्चारण करने लगे, वंदे मातरम का उद्घोष करने लगे। उनके एक साथी ज्योतिर्मय बाबू ने उनको बुलाया कि आप इधर आ जाइए, लेकिन सुभाष बाबू ने उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने कहा, हमको निरंतर आगे बढ़ना है। यह सब तो अपने सुनी हुई लिख रहे हैं, पर सुभाष बाबू का और अपना विशेष फासला नहीं था। सुभाष बाबू बड़े जोर से वंदे मातरम बोलते थे। यह अपनी आँख से देखा। पुलिस भयानक रूप से लाठियां चला रही थी। क्षितिज चटर्जी का फटा हुआ सिर देखकर तथा उनका बहता हुआ खून देखकर आँख मिस जाती थी। इधर यह हालत हो रही थी कि उधर स्त्रियां मूवमेंट की सीढ़ियों पर चढ़ झंडा फहरा रही थी और घोषणा पड़ रही थी। स्त्रियां बहुत बड़ी संख्या में पहुंच गई थी। प्रायः हमारे पास झंडा था। जो वॉलेंटियर गए थे वे अपने स्थान से लाठियां पड़ने पर भी हटते नहीं थे। लेखक ने कहा, सुभाष बाबू के बारे में अब तक मैंने आपको जो बताया वो मैंने केवल सुना था, लेकिन उस जुलूस के समीप ही मेरा जुलूस था और जहाँ से सुभाष बाबू अधिक दूर नहीं थे, वहीं पर एक और व्यक्ति थे क्षितिज नाम के, जिनके सिर में लाठी लगी और उससे रक्त बह रहा था। इन सब के बाद भी महिलाओं का जो जुलूस था वो निरंतर आगे बढ़ रहा था और वो अपना ध्वज फहरा रही थी, अपनी प्रतिज्ञा पढ़ रही थी। इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंच गई थीं। सभी के पास अपना एक ध्वज था और जो वॉलेंटियर थे वो स्वयंसेवक थे। वो लाठी चार्ज होने के बाद भी, लाठियां खाने के बाद भी अपने स्थान से हटते नहीं थे। सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया और गाड़ी में बैठाकर लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया। कुछ देर बाद ही स्त्रियां जुलूस बनाकर वहां से चली। साथ में बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। बीच में पुलिस कुछ ठंडी पड़ी थी, उसने फिर डंडे चलाने शुरू कर दिए। अब की बार भीड़ ज़्यादा होने के कारण बहुत आदमी घायल हुए। धर्म तल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस टूट गया और करीब 50-60 स्त्रियां वहीं मोड़ पर बैठ गई। पुलिस ने उनको पकड़कर लाल बाजार भेज दिया। स्त्रियों का एक भाग आगे बढ़ा जिसका नेतृत्व तो विमल प्रतिभा कर रही थी। उनको बहु बाजार के मोड़ पर रोका गया और वे वहीं मोड़ पर बैठ गई। आसपास बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई जिस पर पुलिस बीच बीच में लाठी चलाती थी। सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया और उन्हें गाड़ी में बिठाकर लॉकअप भेज दिया गया। लाल बाजार के लॉकअप में कुछ देर बाद ही वहाँ स्त्रियों का जुलूस पहुँचा। बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। पुलिस कुछ लगा था कि शांत हुई है, लेकिन उसने फिर से डंडे चलाना शुरू कर दिया। लेकिन अब की भीड़ अधिक थी और अधिक भीड़ होने के कारण लोग घायल भी अधिक मात्रा में हुए। धर्म तल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस टूट गया और करीब 50-60 स्त्रियां उसी मोड़ पर आकर के बैठ गई। पुलिस ने उनको भी पकड़ करके लाल बाजार भेज दिया। स्त्रियों का एक भाग जिसका नेतृत्व विमल प्रतिभा कर रही थी, उनको आगे बाजार के मोड़ पर रोका गया और वे वही उस मोड़ पर बैठ गई। आसपास बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई जिस पर पुलिस बीच बीच में लाठी चलाती थी। उस समय की यदि स्थितियों परिस्थितियों से को आप देखें तो वहाँ उस समय लोगों में एक ऐसा उत्साह था स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रति कि वो गिरफ्तार होने के लिए जेल
के लिए जेल ले जाया जा रहा है या जेल भेजा जा रहा है या हम पर लाठियां बरसाई जा रही हैं या हमारा विद्रोह किया जा रहा है। एक के स्थान से हटने के बाद कोई दूसरा उसे स्थान को ग्रहण कर लेता था, लेकिन उस सभा का नेतृत्व निरंतर कोई ना कोई करता रहता था और पुलिस का प्रयास ये होता था कि उस नेतृत्वकर्ता को वो पकड़ करके ले जाए और उनको जेल में बंद कर दिया जाए। इस प्रकार करीब पौन घंटे के बाद पुलिस की लारी आई और उनको लाल बाजार ले जाया गया। और भी कई आदमियों को पकड़ा गया, ब्रजलाल गोयल का जो कई दिन से अपने साथ काम कर रहा था और दमदम जेल में भी अपने साथ का पकड़ा गया। पहले तो वह झंडा लेकर वंदे मातरम बोलता हुआ मॉन्यूमेंट की ओर इतने जोर से दौड़ा कि अपने आप ही गिर पड़ा और उसे अंग्रेज घुड़सवार ने लाठी मारी, फिर पकड़कर कुछ दूर ले जाने के बाद छोड़ दिया। कुछ देर के बाद पुलिस की गाड़ी आई और उन सभी लोगों को लाल बाजार ले जाया गया और भी बहुत से लोग पकड़े गए। ब्रजलाल गोयनका के बारे में लेखक ने बताया जो बहुत दिनों से उनके साथ काम कर रहे थे, दमदम की जेल में भी वो उनके साथ थे। इस समय वो झंडा लेकर वंदे मातरम कहते हुए मॉन्यूमेंट की ओर बहुत तेजी से दौड़े और इतनी तेजी से इतने उत्साह से दौड़े कि स्वयं ही गिर गए। उसके बाद एक अंग्रेजी घुड़सवार ने उनको लाठी मारी और उनको पकड़ करके ले गया, लेकिन बाद में उनको छोड़ दिया गया। इस पर वह स्त्रियों के जुलूस में शामिल हो गया और वहाँ पर भी उसको छोड़ दिया। तब वह 200 आदमियों का जुलूस बनाकर लाल बाजार गया और वहाँ पर गिरफ्तार हो गया। वो गिरफ्तार होने की भावना कितनी प्रबल हुआ करती थी उस समय, उन स्वतंत्रता प्राप्त करने की भावना वाले लोगों में कि गोयनका को एक बार पकड़ करके छोड़ दिया गया तो वो स्त्रियों के जुलूस में शामिल हो गया, फिर उसको पकड़ करके छोड़ दिया गया तो वो 200 लोगों के जुलूस का नेतृत्व करने लगा और बाद में उसको गिरफ्तार कर लिया गया। मदालसा भी पकड़ी गई थी, उससे मालूम हुआ कि उसको थाने में भी मारा था। सब मिलाकर 105 स्त्रियाँ पकड़ी गई थी। बाद में रात को 9 बजे सबको छोड़ दिया गया। कलकत्ता में आज तक इतनी स्त्रियां एक साथ गिरफ्तार नहीं की गई थी। करीब 8 बजे खादी भंडार आए तो कांग्रेस ऑफिस से फोन आया कि यहाँ बहुत आदमी चोट खाकर आए हैं और कई की हालत संगीन है, संगीन से तात्पर्य गंभीर है, उनके लिए गाड़ी चाहिए। जानकी देवी के साथ वहाँ गए, बहुत लोगों को चोट लगी हुई थी। डॉक्टर राज गुप्ता उनकी देखरेख तथा फोटो उतरवा रहे थे। उस समय तक 67 आदमी वहाँ आ चुके थे, बाद में तो 103 तक आ पहुँचे। कुछ दूर ले जाने के बाद जब वो अन्य जुलूस को लेकर के आए गोयनका की, तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। मदारसा भी पकड़ी गई और बाद में उनसे ज्ञात हुआ कि उनको थाने में ले जा करके मारा गया था। इस तरह कुल मिलाकर के 105 स्त्रियाँ पकड़ी गई थीं और बाद में रात को 9 बजे उनको छोड़ दिया गया। कलकत्ता में आज तक इतनी बड़ी मात्रा में स्त्रियां एक साथ गिरफ्तार नहीं हुई थी। करीब 8 बजे जब हम खादी भंडार पहुंचे तो वहां कांग्रेस ऑफिस से फोन आया और बताया गया कि बहुत सारे आदमी यहां पर चोट खा करके आए हैं और उनमें से कई की हालत तो बहुत अधिक गंभीर है, उनके लिए हॉस्पिटल ले जाने के लिए गाड़ी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। जानकी देवी के पास पहुंचे, उन लोगों को चोट लगी हुई थी। डॉक्टर दास गुप्ता उनकी देखरेख तथा फोटो उतरवा रहे थे, डॉक्टर दास गुप्ता उनकी देखरेख कर रहे थे, उनके फोटो खींचे जा रहे थे। इस तरह से अब तक वहाँ 67 व्यक्ति आ चुके थे और बाद में यह संख्या 103 तक पहुंच गई थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किस तरह की भावना थी लोगों में और किस तरह से वो स्वतंत्रता को प्राप्त करना चाहते थे, उसके लिए वो कुछ भी करने को तत्पर थे। अस्पताल के लोगों को देखने से मालूम हुआ कि 1 से 60 आदमी तो अस्पतालों में पहुंचे और जो लोग घरों में चले गए वे अलग हैं। इस प्रकार 200 घायल जरूर हुए हैं। पकड़े गए आदमियों की संख्या का पता नहीं चला, पर लाल बाजार के लॉकअप में स्त्रियों की संख्या 105 थी। आज तो जो कुछ हुआ वह अपूर्व हुआ है। बंगाल के नाम या कलकत्ता के नाम पर जो कलंक था कि यह काम नहीं हो रहा है, वह आज बहुत अंश में खुल गया और लोग सोचने लग गए कि यहाँ भी बहुत सा काम हो सकता है। इस तरह की कलकत्ता की स्थिति को जब लोगों ने देखा तो
आज जो एक कहा जाता था कलकत्ता के बारे में कि कलकत्ता में स्वतंत्रता के लिए कार्य नहीं किया जा रहा, आज वो कलंक कलकत्ता के माथे से धुल गया था और लोगों को ये ज्ञात हो गया था कि कलकत्ता में भी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए बहुत बड़े स्तर पर प्रयास किया जा रहा है। और इसका प्रमाण था कि इतने अधिक मात्रा में लोग, इतनी अधिक संख्या में लोग घायल हुए थे और उनको गिरफ्तार किया गया था। यहाँ तक कि गिरफ्तारी में लॉकअप तक पहुँचने वाली, हवालात में पहुँचने वाली स्त्रियों की संख्या भी 105 हो गई थी। इस तरह से कलकत्ता वासियों ने आज अपने माथे पर लगे हुए उस कलंक को धो डाला था और बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी संख्या में उन्होंने इस स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और 26 जनवरी के उस दिन को एक स्वतंत्रता दिवस के रूप में मान्यता प्रदान की।